दिवाली और छठ पूजा की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। आपको बता दें, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यह प्रतिबंध केवल 3 दिन यानी कि 25 से 27 अक्टूबर तक ही रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंद यात्रियों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इनकी सहायता के लिए रेलवे स्टेशन पर आने वालों को प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय भी बनाए जा रहे हैं, वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। वैध टिकट वाले ही स्टेशन परिसर में दाखिल हो सकते हैं। आपको बता दें, इसके लिए प्रवेश द्वार पर टिकट की जांच की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा आनंद विहार टर्मिनल पर 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सभी प्रकार के पार्सल के हस्ताक्षरण पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान ना तो पार्सल की बुकिंग होगी और ना ही कोई पार्सल बाहर ले जाया जा सकता है, ना ही आपको बता दें कि बाहर से आने वाला सामान यहां उतारा जाएगा। यात्रियों को सामान अपने साथ ही लेकर जाना होगा। प्लेटफॉर्म पर पार्सल को इकट्ठा करने, प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर पर ट्रोलियों चलाने पर भी रोक लगी है। आपको बता दें, रजिस्टर समाचार पत्र पत्रिकाओं की बुकिंग स्वीकार की जाएगी। नई दिल्ली से बिहार की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होंगी। जरूरत के अनुसार कुछ ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 15 से भी जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को फुटओवर ब्रिज पर नहीं चढ़ना पड़े, इसे ध्यान में रखा जाएगा। अजमेरी गेट की तरफ से आकर यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ट्रेन में सवार होंगे तो FOB पर भीड़ नहीं लगेगी, सिर्फ प्रवेश और एग्जिट गेट से ही आवाजाही होगी। आपको इसके अलावा बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर जनरल टिकट काउंटरों को की संख्या बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली में 120 टिकट काउंटर और 60 पूछताछ केंद्र होंगे। यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए अजमेरी गेट की तरफ टेंट लगाकर अस्थायी वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जिसमें टिकट काउंटर और पूछताछ काउंटर भी बनेंगे। आनंद विहार टर्मिनल पर भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। पुरानी दिल्ली सहित अन्य स्टेशनों पर भी अस्थायी टिकट काउंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट 9 टेक से नासमिन की रिपोर्ट।